सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर और दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरावा गोपी कृष्ण का परिसर शामिल है। भारी भरकम बकाए का भुगतान नहीं करने की वजह से 13 राज्यों में बिजली संकट पैदा हो सकता है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। देश में कोरोना को लेकर भय अब भी बरकरार है। रोजाना तौर पर दर्ज हो रहे नए मामले चिंता का विषय बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,754 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 3.47% हो गई है। बता दें, कल के मुकाबले मामलों में इजाफा हुआ है। बीते दिन ये आंकड़ा 12,000 तक पहुंचा था। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही विवादों में घिर रही है। अब नया विवाद लालू यादव के बड़े दामाद शैलेश कुमार को लेकर शुरू हो गया है। वह अपने बड़े साले और वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ सरकारी मीटिंग में नजर आए। इसके पहले कानून मंत्री के खिलाफ केस, फिर शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल मच चुका है। आज श्री कृष्ण का 5,249वां जन्म उत्सव है। रात के 8वें मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए आज रात 12:05 के बाद 12:45 तक मथुरा, वृंदावन, द्वारका, नाथद्वार और इस्कॉन मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म पर्व मनेगा। लोग अपने घरों में भी इस समय कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। आधी रात के मुहूर्त के साथ ही पूजा के लिए दिन भर कुल 5 मुहूर्त रहेंगे।